हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू कमेंट्स रूम दिस इज प्रिया है एजुकेटर तो स्टूडेंट्स इन डिफ्रेंस कर्व के ऊपर हम बात कर रहे हैं तो ये आज हमारी थर्ड क्लास है आज की क्लास में हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने वाले हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ का टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट बनता है आपको क्वेश्चन इसका बन सकता है पी यू के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो चलिए बात करते हैं आज हमारी प्रॉपर्टीज़ uh, के बारे में तो इन कर्व जो है वो नेगेटिव स्लोव रहता है इसका और ये डाउनवर्ड स्लोव करती है इसकी फर्स्ट जो प्रॉपर्टी बताई गई है वो ये है कि ये नेगेटिव स्लोव करती है और ये डाउनवर्ड को आती है डाउन नेगेटिवली स्लोव करती है इस तरह से ये कुछ इनडिफरेंस कर्व रहती है हमारी कन्वेक्स रहती है ओके तो इनडिफरेंस कर्व का जो स्लोव है वो डाउनवर्ड्स रहता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द अदर वर्ड्स इट स्लोप्स नेगेटिव ये नेगेटिवली स्लोप करता है ये जो प्रॉपर्टी है एक अजम्पन के ऊपर बेस्ड है वो अजम्पन क्या है कि अगर कंज्यूमर जो है ज़्यादा क्वांटिटी uh, में गुड्स को uh, करेगा कंज्यूम करेगा यूज मोर क्वांटिटी ऑफ वन गुड ही विल यूज द लेस क्वांटिटी ऑफ अदर गुड्स तो वो दूसरे की गुड को अदर uh, गुड को क्या करेगा कम करेगा तो हमने इसके मीनिंग में कॉम्बिनेशन की बात करी थी जैसे ही वो अपनी uh, एक यूनिट को बढ़ाएगा कमोडिटी ए को बढ़ाएगा तो उसे गिवअप करना पड़ेगा दूसरी कमोडिटी को तो यही चीज़ कह रहे हैं कि ये जो लॉ ये जो प्रॉपर्टी है इसी एजम्पन के ऊपर बेस्ड है कि अगर कंज्यूमर किसी एक गुड को ज़्यादा यूज करेगा तो ही विल यूज़ अ लेस क्वांटिटी ऑफ अदर वो दूसरी अदर जो क्वांटिटी है उसे कम यूज करेगा देन ओनली ही विल हैव अ इक्वल सेटिस्फेक्शन वो तभी इक्वल सेटिस्फैक्शन में रह सकता है फ्रॉम देर डिफरेंट कॉम्बिनेशन अलग अलग कॉम्बिनेशन में से तभी वो इक्वल सेटिस्फैक्शन में रह सकता है अगर एक चीज को ज्यादा यूज करके दूसरी को लेस यूज करता है तो इफ़ एन इंडिफरेंस कर्व का स्लोप डाउनवर्ड्स देन इट कैन इधर बी वर्टिकल लाइन और अ हॉरीजेंटल लाइन और अ अपवर्ड स्लोविंग अगर ये डाउनवर्ड नहीं है तो और क्या क्या हो सकती है तो ये वर्टिकल हो सकती है हॉरीजेंटल हो सकती है और अपवर्ड हो सकती है तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लो कि ये किस सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं वैसे तो हमारी सही वाली यही रहती है ये लेफ्ट टू राइट आ रही है ये डाउनवर्ड स्लोविंग है ये हमारी नेगेटिव स्लोव कर रही है ये हमारी इनडिफ्रेंस कर्व है हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि जो इंडिफ्रेंस uh, कर्व है वो नेगेटिव स्लोप करती होनी चाहिए और लेफ्ट टू राइट आनी चाहिए अगर ये नहीं होती है तो ये यहाँ तो हॉरिजेंटल हो सकती है या वर्टिकल हो सकती है यहाँ एक स्ट्रेट लाइन हो सकती है ठीक है अगर ये हॉरिजेंटल मान के चलते हैं तो इसमें क्या है कि वो ऑरेंजेस की जो यूनिट्स ले रहा है पी ले रहा है और उसे कॉम्बिनेशन एप्पल्स में कितना मिल रहा है ए मिल रहा है अगर वो ऑरेंजेस को एम ले रहा है तो उसे एप्पल्स कितने मिल रहे हैं, सी मिल रहे हैं तो इसके बारे में जान लेते हैं कि अगर ये एक स्ट्रेट लाइन होती है तो क्या रहता है तो जो इनडिफरेंस कर्व है मान लीजिए सबसे पहले इन्होंने बात करी है वर्टिकल लाइन के बारे में वही वर्टिकल लाइन एम जो हमने फर्स्ट फिगर में देखा था कॉम्बिनेशन ए जो है मैंने हॉरीजेंटल बोला था क्या मुझे याद नहीं है चलो उसको वर्टिकल लाइन में हमने स्टडी करना है तो कॉम्बिनेशन ए जो है कर्व रिप्रेजेंट करता है मोर यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस विद द सेम यूनिट्स ऑफ एप्पल एज कंपेयर्ड विद कॉम्बिनेशन सी जब हम उसे सी के साथ कंपेयर करते हैं देखो अगर वो ये वाला कॉम्बिनेशन लेता है तो उसे एम ऑरेंजेस मिल रहे हैं और सी जो है वो एप्पल मिल रहे हैं अगर वो ऑरेंजेस को बढ़ाता है तो उसे कितने ऑरेंजेस कितने एप्पल मिल रहे हैं सेम एप्पल ही मिल रहे हैं इस कॉम्बिनेशन पे भी ठीक है तो यही चीज़ ये यह कह रहे हैं जो एम बी है वो वर्टिकल लाइन शो की गई है कॉम्बिनेशन ए जो है कर्व का रिप्रेजेंट करता है मोर यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस विद द सेम यूनिट्स ऑफ एप्पल एज़ कम्पेयर विद द कॉम्बिनेशन सी ऑरेंजेस तो उससे ज़्यादा मिल रहे हैं लेकिन जो एप्पल uh, हैं वो उसे सेम ही मिल रहे हैं तो कॉन्सिक्वेंटली आ कॉम्बिनेशन ही मोर सेटिस्फैक्शन देन द दी कॉम्बिनेशन जो ए वाला है वो ज़्यादा उसे सैटिस्फैक्शन uh, दे रहा है एज़ कंपेयर टू द सी एन इन डिफरेंट कर्व कैन नॉट बी वर्टिकल लाइन पैरलर टू इनडिफरेंस पैरलर टू वाई एक्सिस बिकॉज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ए एंड सी ऑफ दिस कर्व ही द डिफरेंट सेटिसफैक्शन नॉट द सेम सेटिस्फैक्शन हमने क्या कहा था कि अलग अलग कॉम्बिनेशन पर उसे सेम ही सेटिसफैक्शन मिलती होनी चाहिए सेम सेटिस्फैक्शन पर रहते हैं लेकिन अगर ये सिचुएशन बनती है तो उसकी जो सेटिस्फैक्शन का लेवल है वो डिफरेंट हो जाता है देखिए यहाँ पर उसे ऑरेंजेस तो ज़्यादा मिल रहे हैं लेकिन जो एप्पल्स हैं वो उसे सेम ही मिल रहे हैं ऑरेंजेस तो वो पी पे चला गया कॉम्बिनेशन ए अगर वो लेता है तो एप्पल उसे उतने ही मिल रहे हैं तो उसका जो लेवल है सेटिसफेक्शन का वो डिफरेंट रहता है लेकिन हमारी इंडिफरेंस कर्ब ऐसी होनी चाहिए जिसमें जो सेटिसफेक्शन का लेवल चाहे उसे कोई सा भी कॉम्बिनेशन दे दो वो सेम सेटिसफेक्शन लेवल पे रहता होना चाहिए लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है डिफरेंट हो रहा है तो ये चीज यहाँ पे हो तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है आपको कि ये वर्टिकलर नहीं हो सकती है पैरलर नहीं हो सकती वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग क्योंकि जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो क्या मिल रही है डिफरेंट मिल रही है इफ इन डिफरेंस का विज ऑ लाइन हॉरिजेंटल होगी तो क्या होगा then H combination will yield more satisfaction than the C combination because H combination में ज़्यादा units हैं apples के as compared to the C combination. Although the units of oranges are same in the both combination. ये देखो क्या कह रहे हैं Oranges के units को same रखा है लेकिन जो apples हैं वो पहले उसको R मिल रहे थे C combination में H combination में apples उसको ज़्यादा मिल रहे हैं अब यहाँ पे भी ये चीज़ जो है वो रॉन्ग हो जाती है ये भी डिफरेंट डिफरेंट सेटिस्फैक्शन देता है ये कॉम्बिनेशन अलग सेटिस्फैक्शन दे रहा है ये अलग दे रहा है ये अलग दे रहा है तो यहाँ पे, पे भी हमारी जो इंडिफ्रेंस कर्व है वो हॉरिजेंटल नहीं हो सकती है एच कॉम्बिनेशन में मोर यूनिट्स मिल रहे हैं एप्पल्स के देन द दे सी कॉम्बिनेशन बेशक मिल रहे हैं लेकिन जो ऑरेंजेस हैं वो तो हमारे सेम ही है ना तो ये चीज यहाँ पे रोंग हो गई तो एक्स एक्सिस के पैरलर हॉरिजेंटल भी नहीं हो सकती यहाँ पे भी आपको क्या मिल रही है जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है डिफरेंट सेटिस्फेक्शन ही कंज्यूमर को दे रहे हैं अगर इन डिफरेंस कर्व अपवर्ड स्लोविंग है लाइक आई जे तो क्या होगा देन कंज्यूमर विल गेट मोर सेटिस्फेक्शन फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन देन बी एंड सी तो ज़्यादा उसे सैटिस्फैक्शन यहाँ पे मिलेगी क्योंकि ज़्यादा यूनिट्स उसे ऑरेंजेस के मिल रहे हैं ज़्यादा ही उसे एप्पल्स के मिल रहे हैं तो सी और बी के कंपैरिजन ए कॉम्बिनेशन से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा well uh, तो है देयर आर मोर यूनिट्स ऑफ एप्पल एज वेल एज ऑरेंजेस इन दैन देन इन द कॉम्बिनेशन बी एंड सी तो बी एंड सी के कंपैरिजन ए कॉम्बिनेशन में ज़्यादा एप्पल है ज़्यादा ऑरेंजेस हैं तो इन डिफरेंस कैन नॉट बी पॉजिटिव शोन बाय बिकॉज़ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑन सच कर्व रिप्रेजेंट द डिफरेंट एंड नॉट इक्वल सेटिस्फैक्शन अलग अलग जो कॉम्बिनेशन है वो आपको अलग अलग सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं अलग अलग देने का मतलब है आपकी जो बेसिक जो मीनिंग ही है इन डिफरेंस कर्व का जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जो अलग अलग कॉम्बिनेशन है वो सेम इंडिफरेंस कर्व के ऊपर है कि आप कोई सा भी ले लो आपको सेम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता होना चाहिए तो ये भी यहाँ पे रोंग हो गया अगर इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोविंग है नेगेटिव स्लोव है देन कंज्यूमर विल गेट इक्वल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ए एज वेल एज बी कॉम्बिनेशन बिकॉज केस ऑफ अ कॉम्बिनेशन ए इफ क्वांटिटी ऑफ ऑरेंजेस इज मोर देन कॉम्बिनेशन बी क्वांटिटी ऑफ एप्पल इज लेस देनेशन बी अगर एक की क्वांटिटी उसको ज्यादा मिल रही तो दूसरे की वो कम भी तो कर रहा है मान लीजिए वो एक कॉम्बिनेशन चूज कर रहा है ए कॉम्बिनेशन डी जो है वो ऑरेंजेस मिल रहे हैं और आर उसे क्या मिल रहे हैं एप्पल मिल रहे हैं अगर वो ऑरेंजेस को कम कर रहा है सी पे आ जाता है ऑरेंजेस को तो उसे एप्पल क्या मिल रहे हैं ज्यादा मिल रहे हैं ठीक है अगर यही वाला कॉम्बिनेशन आप पहले ले लो कि उसे ऑरेंजेस कम दे दो और एप्पल्स ज़्यादा दे दो अगर वो पहले बी कॉम्बिनेशन लेता है अगर उसे ऑरेंजेस ज़्यादा चाहिए तो वो ऑरेंजेस ज़्यादा लेगा पर उसे एप्पल्स क्या करने पड़ेंगे गिवअप करने पड़ेंगे एम से कहाँ आ गया वो आर पे आ गया तो ये जो हमारी कर्व है ये हमारा पूरा मीनिंग फुलफिल कर रही है हमें दोनों कॉम्बिनेशन के ऊपर अलग लगने ही सेम दे रही है एक की क्वांटिटी को बढ़ाने से दूसरे की क्वांटिटी हम कम कर रहे हैं तो ये जो हमारी इंडिफरेंस कर्व है ये हमारी बिल्कुल ही सही है नेगेटिव ही होती है आई होप फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको अच्छे से क्लियर होगी होगी इनडिफरेंस कर्व हैज अ नेगेटिव स्लो एंड दैट इट्स इट्सो डाउनवर्ड तो ये ना ही तो अपर्ड हो, हो सकती है ना ही वर्टिकल हो सकती है ठीक है आ जाता है ये convex to the point of origin ही होनी चाहिए और ये जो प्रॉपर्टी है ये बेस्ड है लॉ ऑफ डी एम आर एस लास्ट क्लास में हमने यही डिस्कस किया था लॉ ऑफ डी एम आर एस जब कोई एक कमोडिटी को ज्यादा यूज कर रहा है तो वो दूसरे को उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम होती जाएगी तो वो लास्ट वाली जो यूनिट को वो गिवअप कर रहा है वो गिव अप करना कम कर देगा पहले उसने थ्री ऑरेंजेस छोड़े थे देन टू ऑरेंजेस छोड़ता है देन वन ऑरेंजेस छोड़ता है ठीक है तो इसी तरह से हमारा जो डी एम आर एस लॉ है उसके ऊपर बेस्ड है हमारी ये प्रॉपर्टी कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ रीजन अगर इनडिफर कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन नहीं है तो क्या हो सकती है ये एक स्ट्रेट लाइन हो सकती है ये कन्केव हो सकती है तो समझ लेते हैं प्रूव कर सकते हैं हम इसको ऑन द बेसिस ऑफ द एजम्शन ऑफ लॉ ऑफ डी एम आर एस बोथ दी दिचुएशन आर नॉट पॉसिबल तो ये दोनों ही सिचुएशन जो है वो पॉसिबल नहीं है यही हमारी करेक्ट रहने वाली है कन्वेक्स रहने वाली है तो फिगर नंबर सेवन ए में आपको क्या बताया गया है इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोविंग स्ट्रेट लाइन इट सिग्निफाइज दैट द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एप्पल फॉर ऑरेंजेस रिमेन्स कॉन्स्टेंट उसकी स्ट्रेट रहने का मतलब क्या है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो सेम ही रह रहा है अगर उसे एप्पल ज्यादा चाहिए तो वो ऑरेंजिस को जो गिव अप कर रहा है वो सेम रेट पे कर रहा है उसे पहले फोर ऑरेंजेस मिल रहे थे और वन एप्पल मिल रहा था अब उसे वन एप्पल मोर चाहिए अगर उसे सेकंड एप्पल चाहिए तो उसे वन ऑरेंजेस जो है क्या कर दिया गिव अप कर दिया अब उसे थ्री ऑरेंज मिल रहे हैं अब वो कह रहा है मुझे वन मोर एप्पल चाहिए वन मोर चाहिए तो वन ऑरेंज उसने और गिव अप कर दिया वो टू टू ऑरेंजेस लेने लग गया तो यहाँ पे जो गिव अप कर रहा है वो वन 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 रेशो वन में ही कर रहा है एक को लेने के लिए एक को ही गिव अप कर रहा है तो यही हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ये जो चीज़ पॉसिबल है ओनली इन द परफेक्ट सब्सटी सब्सटीट्यूट्स में पॉसिबल है ये वाली लेकिन हमने जो लॉ ऑफ डी एम आर एस है उसकी एजम्पन्स में इम परफेक्ट सब्सटीशन्स के बारे में बात करी थी तो यहाँ पर जो है हमारी इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट नहीं हो सकती है नेक्स्ट बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व इज अ कंकेव टू द पॉइंट ऑफ रीजन। इट सिग्निफाइज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एप्पल फॉर इज इंक्रीजेस ये कब होगा ये तब होगा जब वो इंक्रीजिंग रेट गिव अप करता है पहले जैसे उसने वन छोड़ दिया था अप कर दिया था देन उसने टू गिव अप कर दिए देन उसने थ्री गिव अप कर दिए इस तरह से वो इंक्रीजिंग रेट पे गिव अप करता हो तो वहां पे हमारी जो कर्व है वो वो क्या बनती है? वो कनकेव बनती है है तो एडिशनल एप्पल अप थ्री ऑरेंजेस टू गेट ये आफ्टर सेक्रीफाइस फाइव ऑरेंजेस टू गेट वन मोर एप्पल पहले उसने वन एप्पल को गिव अप किया सॉरी वन एप्पल को लेने के लिए वन ऑरेंज को गिव अप किया देन थ्री ऑरेंजेस को गिव अप किया वन मोर एडिशनल लेने के लिए उसने फाइव ऑरेंजेस को गिव अप किया तो ये जो चीज है यहाँ पर जो क्वांटिटी है एप्पल की इंक्रीजिंग हो रही है इट्स इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग क्वांटिटी एप्पल की इंक्रीजिंग होने के कारण उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो इंक्रीज हो रही है लेकिन ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता जैसे जैसे हम ज़्यादा ज़्यादा एप्पल कंज्यूम करेंगे उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी होती है वो डिक्रीज रहती है लेकिन यहाँ पे इन्होंने बताया कि इंक्रीज होती है ये चीज़ क्या हो जाएगी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगी तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या बताया गया है कि जो इनडिफ्रेंस कर्व है वो कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होनी चाहिए बिल्कुल सही है जी ये ये बताता है कि जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन है फॉर ऑरेंजेस एप्पल फॉर ऑरेंजेस इज डिमिनिशिंग जो वो एप्पल को लेने के लिए ऑरेंजेस को गिव अप कर रहा है सब्सिट्यूट कर रहा है जो वो तो वो एट द पॉइंट कहीं जाके डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि जो कंज्यूमर है गेट्स मोर एंड मोर एप्पल ही पार्ट्स विद द लेस एंड लेस यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस जैसे जैसे कंज़्यूमर को ज़्यादा ज़्यादा एप्पल मिलते हैं उसे यूनिट से जो ऑरेंजेस के वो लेस लेस वो क्या करता है गिव अप करता है तो अगर कंज्यूमर थर्ड थ्री ऑरेंजेस को गिवअप करता है फॉर गेटिंग वन एडिशनल एप्पल फॉर वन एप्पल देन सेकेंड एडिशनल एप्पल के लिए वो टू ऑरेंजेस को को गिव अप कर रहा है एंड देन वन मोर एप्पल लेने के लिए वो वन ऑरेंज को गिव अप कर रहा है और ऐसा ही हमारी रियल लाइफ सिचुएशन में होता है तो जो हमारी इंडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होनी चाहिए हमारी जो सही वाली है इंडिफरेंस कर्व वो कुछ इस तरह से बनती है ये एम का जो टॉपिक है हमने ऑलरेडी वहाँ पे डिस्कस किया लास्ट क्लास में तो वहाँ से आप ये चीज़ समझ सकते हो कि ये कैसे कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन रहती है ओके आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी बनती है टू इंडिफरेंस कर्व नेवर कट ईच अदर ये एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी ईच अ डिफरेंट लेवल्स ऑफ करेंगीवलफेक्शन सो देयर इंटरसेक्शन इज रूल्ड आउट जो अलग अलग डिफरेंट जो अलग अलग इंडिफरेंस कर्व है वो अलग अलग डिफरेंट लेवल को क्या करती है डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिसफेक्शन को रिप्रेजेंट करती है तो ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती है तो ये यहाँ पर आपको टू इंडिफरेंस कर्व दिखाई गई है आई सी वन एंड आई सी टू इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को एट पॉइंट ए जो कि पॉसिबल नहीं है पॉइंट ए और सी ऑन द इंडिफरेंस कर्व आई सी वन ये आई सी वन के ऊपर है ए और सी ठीक है जो कि इक्वल सेटिस्फेक्शन को प्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो सेटिस्फेक्शन है वो ए कॉम्बिनेशन की इक्वल है सेटिस्फेक्शन सी कॉम्बिनेशन की सी कॉम्बिनेशन के इक्वल है तो ए और जो बी है इन डिफरेंस ए और बी जो है इन डिफरेंस टू पे कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं इक्वल सेटिस्फेक्शन को इक्वल सेटिस्फेक्शन को दिखा रहे हैं तो जो सेटिस्फेक्शन ए कॉम्बिनेशन की है वो इक्वल है सेटिस्फेक्शन बी कॉम्बिनेशन की तो इसका मतलब क्या हुआ इट इम्पायर दैट द सेटिस्फेक्शन फ्रॉम बी कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सेटिस्फेक्शन फ्रॉम सी कॉम्बिनेशन बट इट इज नॉट पॉसिबल देखो कल हमने कुछ एजम्पन भी करी थी ना अब स्टार्टिंग में क्या कहा कि जो फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व है जिसका जो कॉम्बिनेशन है ए उसकी सेटिस्फैक्शन कॉम्बिनेशन सी के इक्वल है तो जो सेकंड है वहाँ पर ए जो है वो बी कॉम्बिनेशन के इक्वल है तो ऑटोमेटिकली अगर बी और ए इक्वल है ए और सी इक्वल है तो ये कहना चाहते हैं तो फिर उस हिसाब से बी और सी भी इक्वल होने चाहिए इक्वल सेटिस्फैक्शन होने चाहिए बिकॉज ऑफ ए ठीक है लेकिन ऐसा रियल में नहीं है क्योंकि जो उनको क्वांटिटीज मिल रही हैं वो बिल्कुल अलग अलग मिल रही है ये पॉसिबल नहीं है जो बी कॉम्बिनेशन है वहाँ पर उसे मिल रहे हैं थ्री ऑरेंजेस प्लस टू एप्पल्स बी कॉम्बिनेशन के ऊपर थ्री ऑरेंजेस एंड टू एप्पल और सी जो कॉम्बिनेशन है वहाँ पर उसे मिल रहे है टू ऑरेंजेस एंड टू एप्पल जो क्वांटिटी है वो अलग अलग मिल रही है तो इसलिए ये जो कॉम्बिनेशन है ये इक्वल नहीं हो सकते हैं क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स कॉम्बिनेशन में इक्वल है लेकिन ऑरेंजेस में इक्वल इक्वल नहीं है ठीक है तो दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे ये दोबारा से आया हुआ है इसका बीच में कुछ भी नहीं है ये यहीं तक है बस क्वांटिटी ऑरेंजेस की ज़्यादा है बी कॉम्बिनेशन में एज कंपेयर टू द सी कॉम्बिनेशन सी में उसको टू ऑरेंजेस और टू एप्पल मिल रहे हैं एप्पल की क्वांटिटी दोनों केसेस में इक्वल है लेकिन जो ऑरेंजेस है वो इक्वल नहीं है थ्री मिल रहे हैं या टू मिल रहे हैं तो ये सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है ये इक्वल नहीं हो सकता है ओके आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट बात कर रहे हैं हायर द इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स मोर सेटिस्फैक्शन जो ज्यादा वाली हायर इंडिफरेंस कर्व होगी वो ज़्यादा कॉम्बिनेशन ज़्यादा सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी इंडिफरेंस मैप में भी हमने यही स्टडी किया था हायर द इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स द दोज कॉम्बिनेशन विच मोर सेटिसफैक्शन ये वो कॉम्बिनेशन दिखाती है जहाँ पर जो कंज्यूमर को सेटिसफेक्शन मिलती है ज़्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू द लोअ वन तो ये जो प्रॉपर्टी है यही कह रही है आई टू जो है वो हायर है एज़ कम्पेयर टू आई सी वन आई सी वन इज़ अ लोअर इन कर्व तो जो पॉइंट बी है जहाँ उसे एप्पल जो है वो थ्री मिल रहे हैं क्वांटिटी में और ऑरेंजेस उसको टू मिल रहे हैं और सॉरी और, ऑरेंजेस भी उनको थ्री मिल रहे हैं और कॉम्बिनेशन अगर ए की बात करें तो वहाँ पे थ्री ऑरेंजेस एंड टू एप्पल्स मिल रहे हैं कॉम्बिनेशन बी की बात करें थ्री ऑरेंजेस एंड थ्री एप्पल्स उसको मिल रहे हैं तो हायर ये इंडिफरेंस कर्व वन के ऊपर है पॉइंट ए और जो बी है वो इंडिफरेंस कर्व पॉइंट टू के ऊपर है तो ये कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा हायर होगा हायर इंडिफरेंस कर्व होगा उतनी ही ज़्यादा हमारी सेटिस्फैक्शन होगी मोर सेटिस्फैक्शन है ठीक है higher the indifference curve greater the satisfaction it will represent i hope yahan tak aapko clear ho gaya hoga next hai indifference curve touches neither x axis nor y axis kabhi bhi ye touch नहीं करेगी हमेशा ऐसे ही बनेगी ना ही कभी भी किसी भी axis को touch नहीं करेगी ना ही तो x-axis को नीचे से touch करेगी ऐसे टच नहीं करेगी और ना ही तो वाई एक्सिस को करेगी जैसे यहाँ पे दिखाया गया है ये नहीं सही है तो इसका तो मतलब यही हुआ कि जो ए जो है मतलब वन प्रोडक्ट जहाँ पे हम लेते हैं अगर हम यहाँ पे मनी लिखा हो मनी की बजाय ऑरेंजेस को ही लेते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि कंज्यूमर को ऑरेंजेस चाहिए ही नहीं है उसे सिर्फ एप्पल्स ही चाहिए लेकिन हमारा जो मीनिंग है वही यहाँ पे गलत हो जाएगा मीनिंग में तो हमने दोनों ही कॉम्बिनेशन बनाना है दोनों प्रोडक्ट्स का तो ठीक है यहाँ पे जो कभी भी जो है वो एक्सिस को टच नहीं करेगी इंडिफरेंस डिफरेंस कर्व इट इज रिज्यूम द इंडिफरेंस डिफरेंस कर्व एनलाइसिस द कंज्यूमर बायस कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट क्वान्टिटीज ऑफ टू गुड्स इंडिफरेंस डिफरेंस कर्व एनलाइसिस में यही रिज्यूम किया गया है कि जो कंज्यूमर है टू डिफरेंट क्वान्टिटीज को डिफरेंट गुड्स को बाय करता है तो अगर इंडिफरेंस कर्व टच करेगी तो इसका मतलब यही हुआ ओनली वन कमोडिटी ही वॉन्ट कंज्यूमर सिर्फ वन कमोडिटी को ही वॉन्ट कर रहा है हिज डिमांड है जो वो सेकेंड के लिए क्या है जीरो है अगर टच करता है तो इन दैट केस अगर नहीं करता फिर तो वो दोनों ले ही रहा है ठीक है तो इंडिफरेंस कर्व मे टच वाई एक्सिस इफ़ इट रिप्रेजेंट्स मनी इन साइड ऑफ अ कमोडिटी यहाँ तक तो यहाँ पर तो सिंपल बात आपको समझ में आ गई होगी अगर कमोडिटीज की बात करें तो इसका मतलब यही होगा कि दूसरे के लिए उसकी डिमांड जो है वो ज़ीरो है लेकिन ऐसा नहीं होता है अगर हम यहाँ पे कमोडिटी की बात ना करके मनी की बात करते हैं जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है वाई एक्सिस में इफ़ इट रिप्रेजेंट्स मनी इन साइड ऑफ कमोडिटी इन इट आईसी टच इज वाई एक्सिज एट एम यहाँ पे जो आईसी है वो एम पॉइंट पे टच कर रही है इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर एप्पल। इसका मतलब है कि कंज्यूमर के पास इतने पैसे हैं और वो एप्पल्स को नहीं चाहता है बिल्कुल नहीं चाहिए उसे एन पॉइंट के ऊपर कंज्यूमर जो है कॉम्बिनेशन लाइक -like करता है किसका ओ क्यू क्वांटिटी एप्पल का और ओ पी यूनिट्स ऑफ मनी का इतने भी तो पैसे भी उसके पास होने चाहिए तो ये जो कॉम्बिनेशन है उसे सेम सैटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है बाय कीपिंग ओ एम यूनिट्स ऑफ मनी ओ एम यूनिट्स ऑफ मनी को कीप करने के बाद ये कॉम्बिनेशन उसे क्या कर रहा है इक्वल सेटिसफेक्शन दे रहा है यहाँ पे आप खाली कमोडिटी तक का भी बता सकते हो अगर आपको ये यहाँ पे कवर करना है मनी को लेके तो आप यहाँ पे कवर कर सकते हो अदरवाइज़ अगर हमारे जो बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है फर्स्ट सेमेस्टर के पीयू के स्टूडेंट है अगर ये यहाँ तक भी दिखा देंगे लिख देंगे तो काफ़ी होगा और दूसरी बात जो भी आपने डायग्राम यहाँ पे बनानी होगी तो यहाँ पे मनी नहीं लिखोगे फिर आप यहाँ पे किसी भी कमोडिटी को लिखोगे जैसे हम बाकियों में ऑरेंजेस लिखते आए हैं तो ऑरेंज आप लिखोगे ये जो फिर थ्योरी का पोर्शन है ये तो सारा चेंज होगा हो ही होगा ये आप अपनी ओर से लिख सकते हो ओके आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट है इंडिफरेंस कर्व नीड नॉट टू बी पैरलर टू ईच अदर इंडिफरेंस कर्व्स के लिए ये जरूरी नहीं है कि दोनों या तीनों जितनी भी बने कि सारी की सारी पैरलर ही होनी चाहिए ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है मे नॉट बी पैरलर टू ईच अदर इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एम आर एस मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है हमारी जो इन डिफरेंस कैसे बन रही है अगर मार्जिनल रेट ऑफ ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द टू डिफरेंट कर्व्स डिमिनिश एट द कांस्टेंट रेट अगर कांस्टेंट रेट पे है तो ये एक दूसरे के पैरलर हो सकती है अदरवाइज ये पैरलर नहीं होती है ये डिपेंड करता है एम आर एस के ऊपर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन अगर कांस्टेंट है तो पैरलर हो सकती है अगर कांस्टेंट नहीं है तो ये जरूरी नहीं है कि एक दूसरे के पैरलर हो लास्ट वन इंडिफरेंस बिकम्स किकम्स इन केस ऑफ मोर देन टू कमोडिटीज दो से ज्यादा कमोडिटीज जहाँ पे हो वहां पे जो है इंडिफरेंस क बनाना कंप्लेक्स हो जाता है मुश्किल हो जाता है तो कंज़्यूमर डिज़ायर अगर करता है ज़्यादा कमोडिटीज़ को कह लीजिए थ्री कमोडिटीज़ को चाहता है वो तो वहाँ पर थ्री डिमेंशनल इंडिफ़रेंस कर्व्स को बनाना क्वाइट कम्प्लैक्स तो कंज्यूमर जो है अगर ज़्यादा करता है तो उसे हम डायग्रामेटिकली तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पर हमारी जो इनडिफ्रेंस कर्व है वो मुश्किल हो जाती है ओके okay. चलो ये थी आपकी इंडिफरेंस कर्व्स की प्रॉपर्टीज इम्पॉर्टेंट बनता है टॉपिक फिफ्टीन मार्क्स में तो ये खाली प्रॉपर्टीज का टॉपिक नहीं बनता फाइव में बनता है हाँ अगर आपसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है फिफ्टीन मार्क्स का तो आप वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो एड ऑन कर सकते हो इतना डिटेल में जाने की बजाय थोड़ा बहुत तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए फिफ्टीन मार्क्स का क्वेश्चन बनाने के लिए भी तो बाकी का हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कोई भी डाउट्स uh, रहते हैं तो आप हमें कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो हमारे वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो हमें लाइक like ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में